हाय एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि लास्ट वीडियो में कि मैं आपको बताऊंगी कि ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं, वो जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो हम लोग क्यों यूज करते हैं, और बहुत सिंपल मेथड हम लोग क्या है ऑक्सीजन स्टेट निकालने का, हम लोग इस क्वेश्चन के यूज से आज हम लोग सीखेंगे। सो हाउ मेनी पेरोक्साइड आयंस आर देयर इन CrO5 एंड H2SO5? पेरोक्साइड आयंस क्या होते हैं? O2 2 माइनस आयन, ये पेरोक्साइड आयंस है। तो हम लोग पहले देखते हैं ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीजन स्टेट का हमने इंट्रोडक्शन वीडियो जो बनाए थे वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे चुकी हूँ, उसको वॉच करना, उसके बाद ये वीडियो देखना। इसमें मैं इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि क्या होता है, ठीक है। अगर हम लोग निकाल रहे हैं ऑक्सीजन स्टेट, बेसिकली फॉर्मल चार्जेस होता है, तो अगर ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये शेयर प्रफ इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ रहेंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। अगर वहां पे एक नेगेटिव है तो इसके साथ एक पॉजिटिव भी जरूर आएगा। विथ एवरी नेगेटिव देयर इज अ पॉजिटिव, ठीक है। हम लोग अगर कोई लाइफ में भी कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उसका एक पॉजिटिव भी है, हम लोग को ढूंढना है और देखना है कि कहां वो पॉजिटिव हो रहा है। ओके, सिमिलरली हियर आल्सो विथ एवरी नेगेटिव देयर इज अ पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव देयर इज अ पॉजिटिव, शेयर प्रफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे -2 सो यहाँ पे +2, सो टोटल क्रोमियम के पास कितने चार्ज हो गए? +6 चार्ज हो गए। ऑक्सीजन जो है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मिडिल रहते हैं, एग्जैक्टली एट द सेंटर। ओके, दोनों के सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इज एग्जैक्टली एट द सेंटर, सो यहाँ पे कुछ भी चार्जेस डेवलप नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखो कितने पेरोक्साइड आयन है, एक ये पेरोक्साइड आयन और एक ये पेरोक्साइड आयन, तो टोटल कितने पेरोक्साइड आयन इसमें आए? 2 पेरोक्साइड आयन, और इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ओके, अब यहाँ पे सल्फर में देखो, ये अगर नेगेटिव ऑक्सीजन एटम के पास रहेगा शेयर इलेक्ट्रॉन से -1 आएगा तो इसकी जगह एक +1 आ गया, अगेन यहाँ पे -1 तो उसके लिए से एक +1 आएगा, यहाँ पे -2 तो उसके लिए से एक +2 आएगा, यहाँ पे -2 तो उसके लिए से एक +2 आएगा, तो टोटल सल्फर के पास कितना हो गया? +6 ऑक्सीजन स्टेट हो गए। यहाँ पे ये क्या है? -1, यहाँ पे +1, अगेन शेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम रहेंगे। अब यहाँ पे कितने पेरोक्साइड आए हैं? एक ही पेरोक्साइड आयन है, O2 2-, तो शेयर प्रफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे? एग्जैक्टली एट द सेंटर। यहाँ पे भी क्या है? +1 एंड यहाँ पे -1। ओके, सो यहाँ पे अगेन शेयर प्रफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पे एक ही और इसकी वजह से हाइड्रोजन की वजह से एक और -1 चार्ज इसके ऊपर आएगा, क्योंकि ये -1 सल्फर की वजह से, हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे एक और -1 चार्ज आएगा, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर एक -1 चार्ज आएगा इस हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है। तो इसलिए इस ऑक्सीजन पर टोटल -2 चार्ज होगा, इसमें -1 है, इसमें भी -1 है, और पेरोक्साइड आयन क्या होता है? O2 2-, तो इसलिए यहाँ पे कितने पेरोक्साइड आयन है स्ट्रक्चर में? 1 पेरोक्साइड आयन। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड यू दैट व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे हम लोग स्ट्रक्चर बना के ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हैं, और ये सबसे मोस्ट करेक्ट मेथड है, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। अगर इस मेथड से आप ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे कोई भी कंपाउंड के लिए, ये रॉन्ग नहीं होगा, दिस इज द मोस्ट करेक्ट मेथड। सो ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स एंड फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम्स, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर बनाओ और फिर ऑक्सीजन स्टेट निकालो एटम्स का। इफ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।